गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, दिस टॉपिक इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन सिस्टम एंड इज इट मेटाबॉलिक एंड मायोकेमिकल इफेक्ट आर वाइटल इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड बिकॉज स्टिमुलेशन ऑफ फिजिकल एंड सेक्सुअल ग्रोथ इन द यूनिक फीचर ऑफ दिस एज ग्रुप। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन्स इन देयर ओवर सिक्रेशन एंड अंडर सिक्रेशन। एबनॉर्मल एंडोक्राइन फंक्शन लीड्स टू अल्टरेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वेरियस डिसऑर्डर एंड डिजीज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। देन इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर। हारमोन्स जो रिप्रोडक्शन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड इंटरनल इन्वॉल्वमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन इंटरनेशन में काम आते हैं। अब लेते हैं हम ह्यूमन हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है कौन सी। हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, थायमस, एडिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस। इनका अलग अलग अपना एक रोल होता है बॉडी के अंदर। टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। पहला है हाइपर फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाइपो फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डिसफंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डिजीज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ मास लीजन। सच लीजन्स माइट टू नॉन फंक्शन और दे माइट बी एसोसिएटेड विद ओवर फंक्शंस और अंडर प्रोडक्शंस ऑफ हारमोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग पिट्यूटरी ग्लैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हारमोन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड्स एनाटॉमी। द पिट्यूटरी ग्लैंड्स लोकेट इन सीला ट्रसिसा इन द बेस ऑफ स्कल। द पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज कंपोज टू मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनली डिस्टिंग कंपोनेंट्स। द एंटीरियर लोब एडिनो हाइपोफाइसिस एंड द पोस्टीरियर लोब न्यूरो हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट, द इंटीरियर पिट्यूटरी इज द वन मोस्ट वैस्कुलाइज टिश्यू इन द बॉडी ड्यू टू पोर्सल सिस्टम। सिक्रेशन अकर्स 24 और कार्डियल रिदम। द फंक्शन में भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाई फैक्टर्स प्रोड्यूस ऑफ हाइपोथैलेमस। हिस्टोलॉजी द रूटीन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ कलरफुल एरे एंड सेल्स प्रेजेंट दैट कंटेन इसियोफिलिक साइटोप्लाज्म यानी एसिडोफिल, बेसोफिल साइटोप्लाज्म, बेसोफिल और प्योरली स्टेनिंग साइटोप्लाज्म क्रोमोलोब सेल्स। सेल टाइप्स एंड देयर सिक्रेशन। इसिनोफिल सेल्स, सोमेटोट्रोफ्स ग्रोथ हार्मोन्स, लैक्टोट्रोफ्स प्रोलैक्टिन। अब बेसोफिल सेल्स में क्या है, गोनाडोट्रोफिन FHS एंड LHS एंड दूसरा नेक्स्ट है थायरॉयड ट्रोपोस THS हार्मोन, कोर्टिकोस्ट्रोस कोर्टिकोट्रोप्स ACTH, मेलनोट्रोप्स MSH। अब एक क्रोमोलोब सेल्स नो एक्टिविटी प्रोलैक्टिन, क्रूक हाइलिन बेसोफिल चेंज इन एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स इन कॉजिंग सिंड्रोम। डेवलपमेंटल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या डेवलपमेंट कंडीशंस करती है। द एंटीरियर लोब डेवलप्स बाय द आइवेलेशन ऑफ रेथेक्स पॉज फ्रॉम द प्रीमेटिव ओरोफेरिंग्स। स्पेसिफिक ट्रांसक्शन फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड द रेगुलेट द डिफरेंशियल ऑफ दीज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। सोमेटोट्रोप्स, मेमेनोट्रोप्स एंड लैक्टोट्रोप्स आर ड्राइव फ्रॉम द स्टेम सेल्स दैट एक्सप्रेस ऑफ द पिट्यूटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर PIT फर्स्ट। स्टेरोजेनिक फैक्टर फर्स्ट CSF एंड GTA सेकेंड आर फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर गोनाडोट्रोफिन डिफरेंशियल। हार्मोन्स सिक्रेशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पल्सेटाइल मैनर एंड एलिसिटेड स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ऑफ पेरिफेरल टारगेट टिश्यू। फीडबैक कंट्रोल एट द लेवल ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी मॉड्यूलर पिट्यूटरी फंक्शंस एक्सक्रिएट बाय द हार्मोन प्रोडक्शन ऑफ द पेरिफेरल टारगेट ग्लैंड्स। द ट्यूमर कॉज ऑफ चेटोस्टेटिक हार्मोन एक्सेस सिंड्रोम। हार्मोन डेफिशिएंसी मे बी इनहेरिटेड एंड और एक्वायर्ड। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस सर्व टू लिंक ऑफ नर्वस सिस्टम ग्लैंड टू मेटाबॉलिक फंक्शन जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया। हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूसिंग हार्मोन्स, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ACTH, MSH, एडिनल कॉर्टेक्स, मेलानोसाइट्स एंड एंडोग्लैंड्स। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन देयर ग्लूकोलेट्स हार्मोन्स POMI, कोर्टिकोट्रोफ, गोनाडोट्रोफ एंड थायरोट्रोफ एंड लैक्टोट्रोफ एंड सोमेटोट्रोफ जो कि अलग अलग हार्मोन्स में दिखाया गया है। हार्मोन स्टिमुलेटर्स, इनहिबिटर्स, टारगेट ग्लैंड और ट्रॉफिक इफेक्ट्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस
The posterior pituitary consists modified Galois cells termed pituicytes and axon process extending from the hypothalamus through the pituitary stalk to the posterior lobe axon terminus. Two peptide hormones are secreted from the posterior pituitary, oxytocin, antidiuretic hormone ADH, also called vasopressin. Next, these are actually synthesized by hypothalamus and stored within in the terminus residence of posterior pituitary. In response of absolute stimuli, the performed hormones are released directly to the systematic circulation through the venous channels of pituitary. Disease of pituitary, hormone progressions, imbalance, impaired synthesis of release, abnormal target tissue integrations, abnormal target tissue response, mass lesion may non-functioning functioning. Clinical affection, hyperpituitarism, hyperpituitarism, Simon's disease, hyperpituitarism. Too much of one or maybe two or more the hormones from the adrenal hypophysis. This may be due to either to autonomous overproduction tumor or adrenal hypophysis, adenoma carcinoma, 15% of primary intracranial tumors, or next excess production of hypophysis, hypophysin stimulating factors, or third may underproduction inhibiting factors, fourth loss of inhibiting flowing, destruction of other endocrine glands, tumors, anterior adenomas. Pituitary adenomas consist 10% of diagnosed primary intracranial tumors. They can occur any age, no great sex prominence. They are more common patients with autosomal dominant multiple endocrine neoplasia, man first Werner syndrome tumor. Clinical presentation of pituitary adenomas. Endocrine problems, both of hormones production, tumor itself from the damage, the rest of adenophysis and the neurohypophysis. Usual problems from the expanding mass, impending of the optic chiasm, example, vitreoportal hemianoplasia, enlargement of cilia, trichesica, optical X-ray due to expanding masses, large pituitary adenomas, evaluatively rope of cilia, colloid process, diaphragma, cilia, optic nerves and chiasm, and even the cavernous sinuses, nasal sinuses or brain. Increased intracranial pressure, example, headache, nausea, vomiting. Hemorrhage into the large pituitary adenoma can produce pituitary apoplexy, which can stimulating very aneurysm rupture. In fact, large tumors may be infarct themselves, leading to remissions of destructions of the remaining of normal glands as well. Microscopic pituitary adenomas, the typical endocrine adenomas, example, they are composed of cuboidal cells with the round nuclei, a good blood supply. Acidophic adenomas, eosinophil adenomas, typical make growth hormone and prolactin. Basophil adenomas, typical make ACTH, less often they make THS, the gonadotropins. Chromolobe adenomas, nothing null cell adenoma or maybe make prolactin. Gross appearance, clinical variants and characterization. Adenomas causing GS, GSPRL, PRL and HTH hormones, gonadotropin hormones. And characterization, acromegaly, and usually diagnosed early because the clinical syndrome often associated with the acromegaly. They are most frequent cause of gigantism, amenorrhea and galactonuria. Less than 1% of adenomas causing disease accounts for 2/3 of cause of Nelson syndrome. Gonadotropin in general, clinical evidence of excess hormone is rare. Tumors usually present with symptoms secondary and mass effect of the tumor in young women may present of primary ovary failure. Clinical feature of specific pituitary adenomas. Prolactinoma 30%. Men, importance of loss of libido. Women, amenorrhea, loss of libido, infertility, both obesity or galactonuria. Growth hormone adenoma. Children, gigastrinism, adult, acromegaly, corticotropic cell adenoma, ACTS 15%, causing disease. Hyperprolactinemia, functioning of prolactinism, prolactonomas, hypothalamic tumors, stalk effects, craniopharynx
फेरिंजोमाइस, जीनोमास, हाइपोथैलेमिक, जर्मिनोमास, स्कॉट इफेक्ट, दिस मे बी सीन एनी डिजीज विद इन नियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड शॉक इन द इंटरवेंस विद द डिलीवरी ऑफ डोपामाइन इज अ न्यूरो ट्रांसमिशन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ऑफ द प्रोलैक्टिन सीक्रेशन सेल्स इन पिट्यूटरी. देयरफॉर आवर टाइप्स ऑफ पिट्यूटरी एडेनोमास, क्रेनो फेरिंजोमास और अदर ट्यूमर्स ऑफ मासेस मे बी मॉडेस्ट इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोलैक्टिन. मेडिकेशन न्यूरोलेप्टिक एंटी डिप्रेशन अल्फा मेथिलोपा. नेक्स्ट फोर में है अदर कॉज ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, प्रेगनेंसी इन अदर पोस्टमार्टम पीरियड, स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट, एक्सरसाइज, लो ब्लड शुगर, लो थायराइड फंक्शंस, किडनी फेलियर एंड लीवर फेलियर. अब है गिगांटिज्म एंड एक्रोमेगेली. ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज एक्सेसिव ग्रोथ चिल्ड्रन एंड गिगांटिज्म एडल्ट में एक्रोमेगेली. गिगांटिज्म हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट बिफोर द ग्रोथ प्लेट्स हैव ए क्लोज द लॉन्ग बोन्स ग्रोथ ग्रो एनोमोरिकली, ग्रेट स्ट्रेचर ऑफ द आर्म्स एंड लेस लेंथन, हाइपोगोनाडिज्म, डिलेड प्यूबर्टी, जेनेटल्स मे नॉट डेवलप फुली. अब एक्रोमेगेली प्रोग्नेडिज्म, हग ब्रोस, हग टंग, हग हैंड्स विद स्पेड फिंगर्स, डेवलप डीप ग्लूटल वॉइस, ऑली स्किन्स, जॉइंट डिटमोटीज, बेरी चेस्ट, सेकेंडरी डायबिटीज, स्लिप एपनिया, कार्डियोमेगेली, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड गैलेक्टोरिया. कॉजिंग डिजीज एक्सेसिव कॉर्टिकल लेवल्स ऑफ ब्लड, इटियोलॉजी, ट्यूमर्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ट्यूमर हाइपोप्लेसिया ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स, एक्टोपिक एटीएच प्रोडक्शन ट्यूमर, लंग स्मॉल एंड सेल सीए, प्रोडक्शन ऑफ एटीएच बाय पिट्यूटरी ट्यूमर, एसीटीज, ओमा, यूजुअली स्मॉल माइक्रो एडिमास, नेल्सन सिंड्रोम. पीपल हैव बोथ देयर एड्रेनल ग्लैंड्स रिमूव्ड द कॉजिंग डिजीज थेरेपी में डेवलप नेल्सन सिंड्रोम 20%. ए पिट्यूटरी ट्यूमर प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट्स ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन एमएच हाइपर पिगमेंटेशन टू द ऑफ द स्किन, कंप्रेस इफेक्ट ऑफ द ट्यूमर मास, हेडेक, डिफेक्ट ऑफ विजन, हाइपर पिट्यूटरीज्म, डिफ्रेस, एट्रोपी. क्लिनिकल फाइंडिंग्स वेट गेन, द फेस अबव ऑफ द सुपर द बैक नेक, द थिक एंड ट्रंक, स्किन फीडिंग, इजी ब्रोजिंग, परफ्यूशन स्ट्रेच मार्क्स, रेड चिक्स, रिस्टून फेस, एब्डोमन एंड थाई, जनरलाइज वीकनेस ऑफ फटिक, वास्टिंग ऑफ मस्कुलर सेंसर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ऑफ वुमेन, डिक्रीज फर्टिलिटी एंड लिबिडो, हाइपोटेंशन, डायबिटीज मेलेटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी स्टोन्स, डिप्रेस मूड एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, एडिनेट एडिमो कॉजिंग सिंड्रोम. अब हाइपोपिट्यूटरीज्म. हाइपोपिट्यूटरीज्म में लॉस वन हार्मोन ऑफ्टन ऑल द हार्मोन्स ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस. पेन हाइपोपिट्यूटरीज्म इंडिकेट्स लॉस ऑफ मोस्ट ऑल ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस. इटियोलॉजी ऑफ हाइपोपिट्यूटरीज्म कॉजिंग इफेक्टिंग प्राइमरी पिट्यूटरी ग्लैंड, एम्पेटीसिला सिंड्रोम, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, इनएडिक्वेट फूड ब्लड सप्लाई, इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, एमिडोलाइडोसिस, इरिडेशन, सर्जिकल रिमूवल इन द ग्लैंड, ऑटोइम्यून पैथोलॉजी. कॉजिंग इफेक्टिंग प्राइमरीली हाइपोथैलेमस, ट्यूमर्स ऑफ हाइपोथैलेमस, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, हेड इंजरी, सर्जिकल डिमेज. अब पेन हाइपोपिट्यूटरीज्म क्लिनिकल फाइंडिंग वेट लॉस, लैक ऑफ स्टैंडिंग, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, वीकनेस, इजी इफेक्टिंग, लैक ऑफ रेसिस्टम स्ट्रेस, एक्जिलरी एंड प्यूबिक हेयर लॉस, लो ब्लड सर्कुलेशन, डिस्टर्बेशन ऑफ यूजुअल फील्ड्स. एम्पेटीसेला सिंड्रोम प्रेशर स्ट्रोफी, स्लो क्लोजर ग्लैंड्स बाय सीएस सप्रेसर, सम दीज पेशेंट्स डेवलप पिट्यूटरी इन्फ्लेमेशन. अदर रीजन ओल्ड सीसन सिंड्रोम, टोटल नेक्रोसिस ऑफ द एडेनोमा, प्रीवियस सर्जरी. सीहांस पिट्यूटरी नेक्रोसिस, पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस अकर्स व्हेन शॉक कॉम्प्लिकेशन, प्रॉब्लम डिलीवरी, द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर रिजल्ट इन एडिक्यूट ब्लड सप्लाई, द ग्लैंड्स, द वसल सिक्वेंस, सिकल सेल्स डिजीज, टेम्पोरल आर्थराइटिस, ट्रोमा. पिट्यूटरी ड्रॉफिज्म फेल्यूर ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन सॉल्यूट रिजल्ट, मेंटेन वेल प्रोपेंड पीपल, आइडियोपैथिक जेनेटिक सिंड्रोम, लेरोन डेवरेशन, शॉर्ट फ्रंटल ब्लॉजिंग इफ द डिफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, पाइमिस पिट्यूटरी डोनेस टाइप सेकेंड, टिश्यू दैट नॉट रेस्पॉन्ड वेल टू ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड, लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू पुअर ओवरऑल ग्रोथ, शॉर्ट में डाउन. डेफिशिएंसी गोनोट्रोफिन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेजिंग हार्मोन इन प्रीमेंडिस वुमेन, एमनोरिया, इनफर्टिलिटी, वेजन ड्रेनेस, लॉस ऑफ सोम फीमेल एंड सेक्सुअल प्रेगनेंसी.
इन मैन एट्रोफी ऑफ टेस्टिस डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन लॉस सम मेला सेक्सुअल कैलमेन सिंड्रोम डिफिशेंसी एम ल्यूटिजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टोमेटिंग हार्मोन ए क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट कलर ब्लाइंड अनेबल सेंस ऑफ सिम्स अब थायरॉइड स्टोमेटिंग हार्मोन डेफिशिएंसी एंड कोर्टिको डेफिशिएंसी कोर्टिकोट्रोपिन डेफिशिएंसी अंडर थायरॉइड ग्लैंड हाइपोथायरॉइडिज्म कंफ्यूजन इंटोलरेंस ऑफ कोल्ड वेट गेन कॉन्स्टिपेशन ड्राई स्किन पार्शियल एडिनोमा अंडर एड्रेनल ग्लैंड्स एडिशन डिजीज फैटिक लो ब्लड प्रेशर लो लेवल शुगर इन द ब्लड लो टॉलरेंस ऑफ स्ट्रेस कैन बी फिटल प्रोलैक्टिन डिफिशियंसी इसको बोलते हैं सीएनएस सिंड्रोम्स रेयर कॉम्प्लिकेशन इन चाइल्डहुड एक्सेसिव ब्लड लॉस ऑफ शॉक ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पिट्यूटरी इन्फेक्शन इनिटी प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क फटिक लैक ऑफ प्यूबिक एंड हेयर क्रेनियो फेरिंजोमा बेनिग्न ट्यूमर ऑफ रिथेक पाउच एक्स जस्ट अबव पिट्यूटरी एंड सीला ट्यूरसा इट इज अ लोकली एग्रेसिव बट डज नॉट मेटास्टेसाइज द ऑप्टिक नर्व इज काइज़म एंड देन द हाइपोथैलेमस आर डिमेन मोस्ट पेशेंट अंडर 20 बट नो स्टिक एज प्रोटेक्शन माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोप ऑफ क्रेनियो फेरिंजोमा ग्रोसली ट्यूमर इन यूजली फील्ड ऑफ द लिटल क्रिस्ट विच इज द कंटेंट ऑफ अनसेवरी कोलेस्ट्रॉल रिच फ्लूड माइक्रोस्कोपिकली इन ट्यूमर जनरली रिकॉल्स डेवलपमेंटिंग टूथ इनमल विद एरियाज ऑफ क्लम्बर सेल्स स्टेलेट मेंजेंजाइम कैल्सिक्रोल समटाइम स्ट्रेफाइड इक्वा स्टफ एंड और बोन पोस्टेड लोब डिजीज पोस्टेड लोब सिक्रेशन एंटीड्यूरेटिक हार्मोन विच एक्ट ऑफ किडनी एंड रिटेन फ्लूड ऑक्सीटोक्सिन मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी इज एडीएस डेफिशिएंसी कॉज डायबिटिक इंसुपेटस अब इंसुपेटस पोलियूरिया पोलिस्थीमिया एंड हाइडिहाइड्रेशन कैन नॉट कंस्ट्रक्ट यूरिन कॉज विद इन द सीला कंप्रेस बाय पिट्यूटरी एडिनोमा पिट्यूटरी इन्फार्क्शन ऑफ एनी कॉज पिट्यूटरी एब्लेक्टेशन सर्जिकल रेडिएशन एंड साइक्रोसिस म्यूटेंट एडीएच यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्वायर्ड इनक्रोमिक लिथियम एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सीरियस रीनल पिट्यूटरी डिजीज कॉज ऑफ अबव ऑफ सीला ऑल बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस डैमेज ऑफ एनसेफेलाइटिस मेनिंजो ट्यूबरकुलोसिस हाइपोफेनिंजल ग्लियोमा एंड गर्मिनोमा क्रेनियो मेनिंजोहोमा मेटास्टेटिक कैंसर स्कल ट्रोमा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसुपेटस सिंड्रोम ऑफ इनएप्रिशिएट एडीएच प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्यू टू एक्टोपिक एडीएच प्रोडक्शन बाय ट्यूमर ऑट सेल कार्सिनोमा कार्सिनोइड थायमोमा लाइफोमा वाइल स्प्रेड लुमरी टीबीएच प्रोड्यूस एक्सेस एडीएच मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूसप्लेसिया सिंड्रोम मैन फर्स्ट सिंड्रोम वर्नर सिंड्रोम्स मैन टू ए सिंड्रोम्स सिंपल सिंड्रोम मैन टू बी सिंड्रोम्स विलियम सिंड्रोम्स कॉमन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन विच प्रेडिपोज पेशेंट्स विद सर्टन एंडोक्राइन ट्यूमर्स प्रीनेटल डायग्नोसिस अवेलेबल आर दिस ट्यूमर्स जेन सिंड्रोम मैन फर्स्ट सिंड्रोम्स हाइपरथायरॉयडिज्म पैनक्रेटिक स्लेट साइज ट्यूमर गैस्ट्रोमा इंसुनोमा विपोमा पीपोमा पॉलीपेप्टिडोमा ग्लूकोमा पिट्यूटरी ट्यूमर्स प्रोलैक्टिनोमा जीएच एचजीएच टीएच सिक्रेशन ट्यूमर्स थायराइड एडिनोमा एडिनल एंड कार्टिनोइड ट्यूमर्स मेंटू सिंड्रोम सिंपल सिंड्रोम मेडुलेटरी थायराइड कार्सिनोमा 100% फ्यूक्रो क्रोमोसाइटोमा 50% हाइपर पैराथायरॉयडिज्म 10% मेंटू बी सिंड्रोम विलियम सिंड्रोम मेडुलेटरी थायराइड कार्सिनोमा फ्यूक्रोमोसाइटोमा मल्टीपल म्यूकोजल न्यूरोमास गैंग्लियो न्यूरोमोटिस ऑफ गट एंड मार्पिकुलर अपीयरेंस दिस टॉपिक इज कंप्लीट डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स थैंक यू एवरीवन.